हेलो स्टूडेंट्स, टेली प्राइम 3.0 की आज की क्लास नंबर 7 में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में स्टॉक आइटम क्रिएट करने का प्रैक्टिकल और सही तरीका क्या है। यानी कि जब हम स्टॉक आइटम को क्रिएट करते हैं टेली सॉफ्टवेयर में, तो हमें कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसा कि नेम का है, तो हमें स्टॉक आइटम नेम में हमें क्या लिखना होता है। और उसके साथ साथ हमारे पास एक ऑप्शन और पूछा जाता है अलाइस का, तो यहाँ पर इस अलाइस के अंदर हमें क्या लिखना होता है। इस तरीके से हमें अंडर में हमें क्या देना होता है, उस स्टॉक आइटम का ग्रुप हम किस प्रकार से क्रिएट करते हैं, कैटेगरी का मतलब क्या होता है, यूनिट्स क्या होती है, और इसके साथ साथ अल्टरनेट यूनिट्स इसको किस प्रकार से मेंटेन करते हैं। और आपकी कंपनी अगर कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी मतलब सेल करती है जहाँ पर उस प्रोडक्ट का आपको मैन्युफैक्चरिंग की डेट और एक्सपायरी डेट लिखना मैंडेटरी होता है, तो इस प्रकार के एडिशनल फीचर्स को यानी कि हम सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से ऐड करेंगे। और इसके साथ साथ प्रॉपर हम जीएसटी को सेटिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हमें जीएसटी को इनेबल करना होता है, एचएसएन कोड हमें कहाँ लिखना होता है, उसके बाद हमें डिस्क्रिप्शन क्या लिखना होता है, और जीएसटी का जो टैक्स रेट है वो हमें कहाँ लिखना होता है। तो ये सारी बातें आज की इस क्लास में हम इस प्रोडक्ट से लाइव सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, ऐसा आपको प्रैक्टिकल वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है जहाँ पर आपको इतना डीपली समझाया गया हो। तो हम इसी प्रोडक्ट से जानेंगे भी कहाँ पर हमें स्टॉक आइटम लिखना है, इस प्रोडक्ट को देख के किस तरीके से हमें उसकी यूनिट सेलेक्ट करनी है, किस प्रकार से उसका कैटेगरी हम सेलेक्ट करेंगे, अल्टरनेट यूनिट हम किस प्रकार से बनाएंगे, और मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट को किस प्रकार से मेंटेन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं इस क्लास के अंदर कोई भी प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं करा, वीडियो को प्रैक्टिकल बनाने के लिए मैंने इस प्रोडक्ट का सहारा लिया ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए स्टॉक आइटम क्रिएट करने का प्रैक्टिकल और सही तरीका क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो स्टॉक आइटम को क्रिएट करते वक्त बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। वो ग्रुप को कैटेगरी में डाल देते हैं, कैटेगरी को स्टॉक आइटम के अंदर नाम लिख देते हैं, यूनिट्स वो सही तरीके से नहीं मेंटेन कर पाते, जीएसटी की सेटिंग को वो नहीं सही कर पाते, तो जिसकी वजह से उनका जो स्टॉक रिपोर्ट हम लास्ट में देखते हैं वो प्रॉपर सही तरीके से नहीं देख पाते हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, विशेषकर उन फ्रेशर अकाउंटेंट लोगों के लिए जो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को सीख रहे हैं। तो कोई भी स्टेप इस वीडियो का स्किप बिल्कुल भी मत करना। अगर आपने कोई भी स्टेप इस वीडियो का स्किप कर दिया तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हो। तो नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहन सुथार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट काउंटिंग आरएसएनआर। और आज की वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तो स्टूडेंट, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में आइटम को क्रिएट करने के लिए हम गेटवे टेली पे आएंगे, क्रिएट पर आएंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करेंगे। और सबसे पहले हमें नाम पूछता है नेम का। तो नेम, अब जैसे कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, आपके पास और कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है, अब ये जो प्रोडक्ट हमारा किस नाम से सेल होता है, अब इस प्रोडक्ट का ये जो नाम है डोलो 650, यानी कि ये जो हमारा प्रोडक्ट होता है ये हमेशा इस नाम से सेल होता है। तो हमें स्टॉक आइटम के अंदर क्या नाम लिखना होता है, जिस नाम से उस प्रोडक्ट को सेल किया जाता है, जैसा कि हमने यहां पे लिखा डोलो 650 MG, ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे। अब इसका आ जाएगा, अगर आप कोई शॉर्टकट नाम इसका लिखना चाहते हो तो यहां पे शॉर्टकट नाम आप इसका लिख सकते हो, अदरवाइज आपको इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। उसके बाद बात आएगी इंपॉर्टेंट यहां पर अंडर में। अब अंडर का मतलब क्या रह गया, ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट आपका किसके ग्रुप के अंडर में आता है। जैसा कि हमने यहाँ पे इस आइटम को सिलेक्ट किया और यहाँ पर हमने इसकी एक कंपनी है माइक्रोलैब लिमिटेड, यानी कि यहाँ पर हम इसका एक कंपनी का नाम सिलेक्ट करेंगे। अब कल को हो सकता है डोलो 650 किसी और कंपनी ने भी प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया हो, ठीक है, लेकिन ये फिलहाल हम कर रहे हैं माइक्रोलैब लिमिटेड। तो हम इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ग्रुप बनाएंगे माइक्रोलैब लिमिटेड का। तो यहां पर हम एल्ट सी का भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यहां से हम इसको क्रिएट कर देंगे। तो जैसे मैंने यहां पर लिख दिया माइक्रोलैब लिमिटेड, ठीक है, और उसके बाद में हमें इसके ग्रुप के अंदर कुछ ग्रुप देने की जरूरत नहीं है, यहां पर बाय डिफॉल्ट हम अंडर में प्राइमरी भी रखेंगे। और यहां पर हमें जीएसटी की डिटेल वगैरह कुछ भी देने की जरूरत नहीं है ग्रुप के अंडर में, इंटर करते हम एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा कैटेगरी का। अब कैटेगरी का मतलब क्या रह गया, ये जो डोलो जो प्रोडक्ट है ये किस से रिलेटेड है। मान लीजिए जैसा कि हम इस प्रोडक्ट पे चलते हैं, ये एज ए पेरास्टामोल है, तो आपकी तरह इसकी तरह से और किसी भी साल्ट का हो सकता है। तो क्योंकि अब पेरास्टामोल बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिनका नाम अलग हो सकता है लेकिन साल्ट उसके अंदर पेरास्टामोल ही रहता है, तो हम इसकी कैटेगरी हम सिलेक्ट करेंगे भी ये जो प्रोडक्ट है ये पेरास्टामोल संबंधित जो हमारा प्रोडक्ट है।
तो यहां से हम इसका एक ग्रुप क्रिएट करेंगे और यहां पर हम इसका नाम लिख देंगे पैरासिटामोल का। हमने यहां पर एक पैरासिटामोल का ग्रुप क्रिएट कर दिया और इसके अंदर भी हम इसको बाय डिफॉल्ट जो प्राइमरी रखेंगे, एक्सेप्ट कर दिया। और उसके बाद बात आएगी यूनिट। अब यूनिट का मतलब रह गया कि आप इस प्रोडक्ट को किस यूनिट के अंदर सेल करते हो, यानी कि आप पर्टिकुलर, जैसे हम ये कह सकते हैं भी हमारे पास एक पूरी ये 15 पीस का एक स्ट्रिप है, भी अगर आपकी कंपनी इसको लूज भी बेचती होगी या फिर स्ट्रिप बाय स्ट्रिप भी बेचती होगी, यानी कि एक स्ट्रिप या दो स्ट्रिप इस तरीके से। कई बार ऐसे दुकानदार भी होते हैं जो एक पर्टिकुलर एक एक पीस को भी सेल करते हैं, तो अब वो डिपेंड करता है आपकी कंपनी के ऊपर भी आपकी कंपनी इसका स्टॉक किस तरीके से मेंटेन रखना चाहती है। मान लीजिए आपकी कंपनी के, हमारी कंपनी लूज है जो प्रोडक्ट को सेल नहीं करती, स्ट्रिप वाइज सेल करती है, तो एक स्ट्रिप या दो स्ट्रिप या तीन स्ट्रिप, यानी कि लूज प्रोडक्ट हम सेल नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, यहां पर एक यूनिट हम बनाएंगे स्ट्रिप का। हमने एक यहां पर स्ट्रिप का एक सिंबल तैयार कर दिया और ये हमारा किस में रहता है, पीसीस के अंदर सेल रहता है। नंबर ऑफ डेसिमल आपका जीरो रहेगा यहां पर, ठीक है। और उसके बाद ऑप्शन आएगा आपके पास में अल्टरनेट यूनिट्स का। अब अल्टरनेट यूनिट का मतलब आ गया भी अगर एक स्ट्रिप तो आप सेल कर रहे हो, तो अब एक स्ट्रिप के अंदर कितनी टेबलेट हो सकती है, यानी कि कितने पीस हो सकते हैं। तो अब ऐसी कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, यहां पर एक टेबलेट का भी एक यूनिट हम क्रिएट कर लेंगे। तो जैसे मैंने यहां पर एक टेबलेट का एक यूनिट और क्रिएट कर दिया, ये भी हमारा पीसीस में रहेगा और यहां पर एंटर प्रेस करेंगे। तो अब यहां पर पूछा जाएगा भी एक स्ट्रिप के अंदर कितनी टेबलेट होती है। अब ये डिपेंड करता है अलग अलग प्रोडक्ट पे, कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी होते हैं जो एक स्ट्रिप के अंदर 10 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं भी हमारे पास ये जो स्ट्रिप है इसके अंदर 15 टेबलेट है, तो हम यहां पर क्या यूज करने वाले हैं भी 15 टेबलेट इक्वल टू 1 स्ट्रिप, यानी कि एक स्ट्रिप के अंदर 15 टेबलेट है। और उसके बाद में एडिशनल डिटेल, अगर आप चाहते हो भी ये ऑप्शन अगर आपके पास टेली के अंदर शो नहीं कर रहे हैं, तो आपको यहां पर F12 यानी कि कॉन्फ़िगरेशन का बटन ऑन कर लेना है। जैसे हम कॉन्फ़िगरेशन का बटन ऑन करेंगे तो आपको सबसे पहले ये ऑप्शन जो दिखाई दे रहे हैं यहां पर शो मोर कॉन्फ़िगरेशन और शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन, इन ऑप्शन को यस कर लेना है और उसके बाद में सारे ऑप्शन आपको यहां पर दिखाई दे जाएंगे। जो भी आपको यस करना हो, इस प्रोवाइड आपको डिस्क्रिप्शन लिखना हो, स्टॉक आइटम का पार्ट नंबर कुछ लिखना हो, इस तरीके स्टॉक ग्रुप आप यहां पर मेंटेन कर सकते हो, कैटेगरी आप मेंटेन को यस कर सकते हो, अल्टरनेट यूनिट आप इसको यस कर सकते हो, बहुत सारे स्टॉक आइटम से रिलेटेड आपको ऑप्शन मिलेंगे। जैसी आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हम इन फीचर्स को यस या नो करते जाएंगे। और उसके बाद बात आएगी भी अगर आपको ये एडिशनल डिटेल है, जैसा कि हमारे पास मेंटेन बैच वाइज डिटेल यूज करना है, एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट, तो इसके लिए आपको F11 बटन प्रेस करना है। और F11 बटन प्रेस करने के बाद में इस इन्वेंटरी के ऑप्शन के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इनेबल बैच मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैच, इस ऑप्शन को यस कर लेना है आपको, तो आपके सामने ये एडिशनल डिटेल ओपन हो जाएगी। इसको हम यस करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी हमें रखनी है और एक्सपायरी डेट भी हमें लिखनी है। तो ये तो था हमारा यहां तक इसकी बेसिक बातें, और अब उसके बाद हमारी कहानी स्टार्ट हो जाएगी जीएसटी से रिलेटेड भी। अगर आपकी कंपनी जो भी प्रोडक्ट सेल करती है उसके ऊपर कोई जीएसटी अगर लगती है तो जीएसटी को हम किस प्रकार से एप्लीकेबल करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास ये जीएसटी के ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपके पास ये दो ऑप्शन आएंगे, एप्लीकेबल या फिर नॉट एप्लीकेबल, अगर जीएसटी लगता है उस प्रोडक्ट के ऊपर तो हम उसको एप्लीकेबल करेंगे। और उसके बाद में HSN कोड और जीएसटी रेट से हमारे पास ये ऑप्शन आएंगे। तो अगर आपने पहले कंपनी, मान लीजिए अगर आपकी कंपनी है एक ही प्रोडक्ट के अंदर डील करती है और एक ही टैक्स रेट रखती है, तो हम जब भी कंपनी क्रिएट करते हैं तो उस वक्त हम वहाँ पे एज पर कंपनी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारा डाटा दे देते हैं, जिससे कि हमारा हमें बार बार उस प्रोडक्ट के ऊपर लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर आपकी कंपनी ऐसे प्रोडक्ट में डील करती है जहाँ पर HSN कोड उनका अलग हो सकता है, टैक्स रेट अलग हो सकता है, तो उस कंडीशन के अंदर हम यहाँ से क्या करेंगे, HSN कोड के अंदर यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से अब हमें मैनुअल पूछा जाएगा भी अब आपके पास में जो जीएसटी नंबर HSN कोड है इसका, वो HSN कोड हम यहाँ पर लिखेंगे। मान लीजिए जैसे कि हमने HSN कोड इस प्रोडक्ट का 1, 2, 3, 4, 5 जो भी हमारे पास रहेगा वो हम लिख देंगे। अब डिस्क्रिप्शन के अंदर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे भी, ये हम कह सकते हैं भी ये टेबलेट है, ठीक है। और उसके बाद में जीएसटी रेट, तो इसको भी हम यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल हेयर के अंदर यहाँ पर क्लिक करेंगे। और ये टैक्सेबिलिटी के अंदर हम लिखेंगे टैक्सेबल, क्योंकि इसके प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगेगा।
और उसके बाद में जीएसटी रेट। अब जो भी जीएसटी रेट 5% 12% 18% 28% जो भी रेट रहेगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद में टाइप ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, ये गुड्स है सर्विस नहीं है। और उसके बाद के अंदर अगर आपकी कंपनी इसको कौन से कोड के अंदर रिपोर्टिंग दिखानी चाहती है जीएसटी रिपोर्ट के अंदर, जब हमारा एचएसएन वाइज समरी बनेगी तो हम यहाँ पे रखेंगे स्ट्रिप को, ठीक है ना। उसके बाद के अंदर हमारे बात आएगी भी एमआरपी डिटेल्स। अगर आपकी कंपनी इसके एमआरपी डिटेल को सेट करना चाहती है तो आप इसको यस कर सकते हो। अगर आपकी कंपनी चाहती है भी इस प्रोडक्ट का जो एमआरपी है वो चेंज होता रहता है तो उस कंडीशन के अंदर हम इस प्रोडक्ट को नो रखेंगे। ये होता है अगर आपकी कंपनी कोई प्रोडक्ट पर्टिकुलर फिक्स है तो। वैसे तो जब भी आप चेंज करोगे इन फ्यूचर तो आपसे वो डेट भी पूछ लिया जाएगा भी आपने जो नया रेट जो आपका चेंज हो रहा है वो कौन सी डेट से एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे अलाउ एमआरपी मॉडिफिकेशन इन वाउचर, इसको हम यस कर सकते हैं। और एमआरपी रेट मान लीजिए हमने कह दिया 120 का, एंटर प्रेस करेंगे, रेट ऑफ ड्यूटी हम कुछ नहीं लिखेंगे और एंटर प्रेस करते हम स्टॉक आइटम को एक्सेप्ट करेंगे। तो यानी कि ये सारी बातें हमें स्टॉक आइटम के दौरान हमें लिखनी होती है। अब बात आएगी जब हम इसकी परचेज वाउचर की एंट्री करेंगे तो एंट्री के दौरान हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा, एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। अब सबसे पहले हम इस वाउचर को परचेज करते हैं, वाउचर पे हम जाएंगे और यहाँ पर परचेज के लिए F9 हम यूज करेंगे। उसके बाद जो भी आपके पास वाउचर आएगा उसका इनवॉइस नंबर हम यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम में उस पार्टी का नाम यहाँ लिखेंगे जहाँ से हम उनके प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। उसके बाद में हम पार्टी की डिटेल को यस करेंगे। अब यहाँ पर हम उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे जो अभी हमने क्रिएट किया। और सबसे पहले अब आपकी यहाँ पर पूछा जाएगा एमआरपी। एमआरपी हमने ये वाउचर के दौरान मॉडिफिकेशन डिटेल को यस किया था तो अब इस कंडीशन के अंदर पूछ रहा है भी अब आपके जो प्रोडक्ट कर रहे हो वो ₹120 वाला स्ट्रिप ही है क्या, ठीक है। और उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग डेट, अब मैन्युफैक्चरिंग डेट के दौरान हमें देना पड़ेगा भी न्यू नंबर क्या रहेगा इसका, जो हमारा बैच का नंबर है उस प्रोडक्ट का, मान लीजिए हमारे पास बैच का नंबर ये है। और उसके बाद में जो भी आपकी क्वांटिटी हम कितनी परचेज करें, मान लीजिए हमने 15 स्ट्रिप परचेज करी तो जैसे हमने 15 स्ट्रिप करी तो यहाँ पे नीचे भी अल्टरनेट यूनिट के अंदर दिखाएगा भी 225 टेबलेट आपके पास में आ रही है। रेट मान लीजिए हमने ₹120 लगा दिया। और उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग डेट पूछा जाएगा भी मैन्युफैक्चरिंग डेट इसकी क्या है, हमने कह दिया भी 1 जनवरी 2023 है। और उसके बाद में एक्सपायरी डेट भी पूछा जाएगा, हमने कह दिया भी 31/7/2023 है। तो इस तरीके से ये एंड ऑफ लिस्ट हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारी बातें कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगी। दोनों एमआरपी आपका ₹120 स्ट्रिप वाला है और आपने 15 स्ट्रिप परचेज करी है, ठीक है, और 225 टेबलेट साथ में है 15 स्ट्रिप के अंदर और यहाँ पर ₹120 जो रेट लग रहा है वो पर स्ट्रिप का लग रहा है। तो इस तरीके से टोटल ₹1800 की वैल्यू बनेगी। और उसके बाद में अब यहाँ से हम इसका एक परचेज का लेजर हम क्रिएट करते हैं। तो परचेज हमने एक बार बाय डिफॉल्ट जो ऑलरेडी मेरे पास है वो हम यूज कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ये जीएसटी की रेट है वो आई जाएगी जो हमने स्टॉक आइटम के दौरान क्रिएट करी थी। उसके बाद में सीजीएसटी टैक्स और एसजीएसटी टैक्स, इस तरीके से हम इसको परचेज वाउचर के दौरान इस प्रोडक्ट की एंट्री कर लेंगे। तो यानी कि हमें अब पता लगेगा कि हम उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग डेट के मतलब प्रोडक्ट क्रिएट करने के दौरान में कहाँ पर हमें स्टॉक आइटम का नाम क्या देना होता है, यूनिट क्या होती है, ग्रुप क्या सिलेक्शन रखेंगे, कैटेगरी क्या रहेगी, अल्टरनेट यूनिट किस तरीके से बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग डेट एक्सपायरी डेट को हम इनेबल किस तरीके से करेंगे और प्रॉपर आल जो जीएसटी की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है वो किस प्रकार से करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो नॉलेजेबल लगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना और वीडियो को लाइक भी जरूर करना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो प्लीज़ वो भी जरूर कर लेना क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो लगातार मिलती रहेगी।